अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं। उस लड़की से तुम झूठ बोल रहे हो, इमोशनली उसे धोखा दे रहे हो, ऐसी फीलिंग तुम में नहीं आ रही है? व्हाट? नो, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं। श्रीलक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इनोसेंट एंड रोमांटिक, दैट्स व्हाई आई लाइक हर। एंड ये हम दोनों की रजामंदी से ही हुआ, अब किसी को भी कोई एतराज नहीं। तो उस लड़की से सच बताने पर उसे पसंद आया तो तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। लेकिन छुपाना किसी को धोखा देने के समान है ना। सही टाइम पे मैं खुद बता दूंगा। वो सिर्फ एक दोस्त बनकर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी लवर या गर्लफ्रेंड बनकर रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। सब आम लोगों जैसा हो जाएगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, घूमना फिरना, झगड़ा करना, अलग हो जाना, रिश्ता ही टूट जाएगा। इसलिए नॉर्मल कपल बनकर रहने के बजाय ऐसे ही रहना बेटर है। तुम्हारी सोच गलत हो सकती है ना। किसी के लिए लव करने के लिए एक झलक काफी होती है, और कईयों के लिए एक मुस्कुराहट काफी होती है, और कईयों के लिए सोच काफी होती है। सो उसकी फीलिंग सच्ची भी तो हो सकती है, इस बार सच बताने की कोशिश करना। जो लोग बैठे थे वो बस हंस रहे थे, वो देख के मैं घबरा गया। अगर मैंने ऐसी कोई फिल्म बनाई तो मेरी हालत क्या होगी? कमरे में आके सोच रहा था कि फिल्म मुझे समझ में नहीं आई या उस फिल्म में कुछ था ही नहीं। एक्चुअली अगर मैं वहां अकेला होता तो काफी देर तक बैठा ही रहता।